बेटा अरे पेट भर गया हाँ पेट भर गया बॉबी ले लिया ये रहा मेल्टिंग पॉट इसकी बस क्या कर रही थी ये तो ये तुमने जो कड़कदार खाया है ना दांतों से दबा के उसकी आंख खुल रही वहां पे दीपिका की बचकानी हरकतों को लेकर शो इब्राहिम और दीपिका के फैंस कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपिका का अभी 5 BH का न्यू होम 2 रेडी हुआ है, इतने सारे रूम हैं, तो दीपिका रूहान के पास ही बैठकर क्यों खाती हैं? अगर उन्हें जागने का डर रहता है कि बेबी रूहान जाग जाएगा तो उन्हें चाहिए कि वो दूसरे रूम में खा सकती है। और कुछ यूजर लिखते हैं कि दीपिका ओवर एक्टिंग करती है। जब दीपिका शो इब्राहिम को ये मालूम है कि रूहान जरा सी भी आवाज से जाग जाता है तो उन्हें चाहिए कि वो सावधानी बरतें। जैसे ही दीपिका पैकेट में हाथ डालती है तो उसकी आवाज आने लगती है और बेबी रूहान आंख खोल देता है। तो कुछ ऐसे टॉलर्स हैं जिनका कहना है कि दीपिका शो इब्राहिम जानबूझकर ये सब करते हैं व्लॉग बनाने के लिए। रूहान को परिवार में सभी संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं संभालता। और शो इब्राहिम तो जब भी घर में रहते हैं तो ज्यादातर वो वक्त रूहान के साथ ही गुजारते हैं। दीपिका के फैंस यही कह रहे हैं कि वो अलग रूम में पैक कर खाए, रूहान के पास मत खाया करें जब वो सोता हुआ हो। रूहान जब सोता है तो उसका अलग ही बेड है, गिरने का भी डर नहीं है, तो इसलिए दीपिका को समझदारी से काम लेना चाहिए। दीपिका बच्ची नहीं है। लोगों का यही कहना है कि दीपिका क्या गलतियां कर रही हैं। और आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में नाजुक बताएगा। आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ।